हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने चैनल पर HSBC बैंक के कार्ड्स पर रेयरली ही वीडियो बनाई है, तो आज हम HSBC बैंक के दो एंट्री लेवल कार्ड्स HSBC वीजा प्लैटिनम कार्ड और HSBC कैशबैक कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हमारे ओपिनियन में ये कैसे कार्ड्स हैं और हमें इनमें से कौन सा कार्ड बेटर लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। करते हैं इन कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। तो HSBC वीजा प्लैटिनम कार्ड की ना ही कोई ज्वाइनिंग फी है और ना ही कोई रिन्यूअल फी है, ये एक लाइफटाइम फ्री कार्ड है। जबकि HSBC कैशबैक कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, लेकिन इस कार्ड की रिन्यूअल फी है ₹750 प्लस टैक्सेस। पर नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो सकती है अगर आप करंट ईयर में कम से कम ₹1,00,000 का खर्चा करते हैं। तो अब अगर हम इन कार्ड्स के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें, तो वीजा प्लैटिनम कार्ड पर आपको एक ₹500 का अमेज़न का वाउचर मिलता है और स्विगी का एक ₹250 का वाउचर मिलता है। कैशबैक कार्ड के केस में आपको अमेज़न का एक ₹500 का वाउचर मिलता है, एक स्विगी का ₹500 का वाउचर मिलता है, सोनी लिव की 12 महीने की सब्सक्रिप्शन मिलती है, मिंत्रा के ₹300 के 5 वाउचर्स मिलते हैं और अजियो के ₹600 के 5 वाउचर्स मिलते हैं। दोनों ही कार्ड्स पर वेलकम बेनिफिट्स अवेल करने के लिए आपको कार्ड इश्यू होने के 30 दिन के अंदर ₹2,500 का खर्चा करना होगा। करंट वेलकम बेनिफिट जो लोग 15 अगस्त 2023 से पहले लेंगे उनको मिलेगा। उसके बाद वेलकम बेनिफिट्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब अगर वेलकम बेनिफिट्स के बाद इन दोनों कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें, तो दोनों कार्ड्स पर एक साल में इंडियन एयरपोर्ट्स के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स पर लाउंजेस के 3 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं। लाउंज एक्सेस की जगह आप 3 मील वाउचर्स भी ले सकते हैं, जो कि एयरपोर्ट पर सिलेक्ट रेस्टोरेंट्स पर आप यूज कर सकते हैं। अब चलिए इन कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं। HSBC वीजा प्लैटिनम कार्ड पर हर ₹150 के खर्च पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आपको कैश विड्रॉल पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। आपको इस कार्ड पर पहले 30 दिन में की गई ट्रांजैक्शन पर 10% का कैशबैक भी मिल रहा है। टोटल कैशबैक पर ₹2,000 का कैप है। इस कार्ड पर ₹4,00,000 का खर्चा करने के बाद 5x यानी 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ₹150 के खर्च पर, और आपको एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में मैक्सिमम 15,000 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलते हैं। ये थे वीजा प्लैटिनम कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब चलिए डिस्कस करते हैं कैशबैक कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। आपको ऑनलाइन स्पेंड्स पर 1.5% कैशबैक मिलता है और बाकी स्पेंड्स पर 1% कैशबैक मिलता है। वॉलेट लोड्स एंड कैश विड्रॉल पर कोई कैशबैक नहीं मिलता है। इसके अलावा कुछ ऑफर्स मिलते हैं आपको इस कार्ड पर, जैसे अमेज़न पर 5% डिस्काउंट अगर आपकी मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है ₹1,000। आपको एक मंथ में मैक्सिमम ₹250 का कैशबैक मिलता है अमेज़न से। ब्लिंकिट पर 10% डिस्काउंट अप टू ₹100 मिलता है। आपको ये बेनिफिट महीने में अप टू 3 ट्रांजैक्शन पर मिलता है। ये थे इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब अगर हम वीजा प्लैटिनम कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन की बात करें, तो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी होती है 3 साल की। आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को प्रोडक्ट कैटलॉग और ब्रांड वाउचर्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं, या फिर आप इन पॉइंट्स को माइल्स के अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं। ब्रांड वाउचर्स और प्रोडक्ट कैटलॉग के केस में आपको पर पॉइंट 20 पैसा की वैल्यू मिलती है, और माइल्स कन्वर्जन में इंटर माइल्स और विस्तारा के केस में आपको हर 2 पॉइंट पर 1 माइल मिलता है, और टाटा न्यू, ब्रिटिश एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस के केस में आपको 1:1 कन्वर्जन मिलता है। ये थे इन दोनों कार्ड्स के सभी फीचर्स एंड बेनिफिट्स। वीजा प्लैटिनम कार्ड की बात करें, तो काफी अच्छी बात है कि ये एक लाइफटाइम फ्री कार्ड है और इस कार्ड पर आपको काफी अच्छे वेलकम बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट जो पहले 30 दिन में कैशबैक मिलता है इस कार्ड पर, वो भी काफी अच्छा है। बट जहां तक रेगुलर रिटर्न की बात है, तो प्रोडक्ट कैटलॉग और ब्रांड वाउचर्स के फॉर्म में तो अच्छा नहीं मिलता है। आपको अराउंड 0.27% का रेगुलर रिटर्न मिलता है, और ₹4,00,000 के खर्चे के बाद भी आपको 1.35% का ही रिटर्न मिलेगा 6.25 लाख के खर्चों तक। ये कार्ड वाउचर्स और प्रोडक्ट कैटलॉग के अगेंस्ट तो डेफिनेटली यूज नहीं करना चाहिए। अब अगर हम माइल्स कन्वर्जन की बात करें, तो टाटा न्यू को छोड़ के आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं जोड़ पाओगे किसी मीनिंगफुल बेनिफिट के लिए। टाटा न्यू में कन्वर्ट करके आप डेफिनेटली बिग बास्केट में यूज कर सकते हैं। टाटा न्यू में कन्वर्ट करके आप डेफिनेटली बिग बास्केट में रिडीम कर सकते हैं। उस केस में आपका रिटर्न होगा अराउंड 1.35% रेगुलर स्पेंस पर, और 6.75% रिटर्न हो जाएगा एक्सेलरेटेड स्पेंस पर। अब जहां तक कैशबैक कार्ड की बात करें, तो ऑन एन एवरेज 1.2 से 1.3% के अराउंड रिटर्न रह सकता है इस कार्ड पर। हमारे ओपिनियन में अगर आप बिग बास्केट पे पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वीजा प्लैटिनम कार्ड एक बेटर कार्ड है, बिकॉज
एक तो ये एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और साथ ही साथ जो इनिशियल 30 डेज में 10% कैशबैक का ऑफर है वो काफी अच्छा है। ओवरऑल रिटर्न इन कार्ड्स पर एवरेज ही है, लेकिन वेलकम बेनिफिट्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स के लिए इन दोनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड ले सकते हैं। बिग बास्केट पे अगर आप पॉइंट्स यूज कर सकते हैं तो वीजा प्लैटिनम कार्ड, अदरवाइज कैशबैक कार्ड को आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।